जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में एक बारी फिर से हम SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड के ऊपर में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड का ओवरऑल किस तरह का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है, क्योंकि इस फंड को आए हुए लगभग 5 महीने के आसपास का समय भी हो गया है। और आज के वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड में अपना पैसा निवेश करते हैं तो हमारे पैसे को कहाँ कहाँ लगाया जाता है, किस किस सेक्टर में लगाया जाता है और किस तरह की कंपनी में लगाया जाता है, यानी कि पोर्टफोलियो एलोकेशन भी आज के वीडियो में हम चेक करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि जो SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड है, इसने इन्वेस्टमेंट का 10,000 करोड़ रुपए का जो माइलस्टोन है उसको अचीव कर लिया है। यानी कि इस फंड में जो कि SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड है, इसमें 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया है। देखिए, जब आप अपने ऐप में चेक करेंगे तो लगभग 9,780 करोड़ रुपए का AUM दिखेगा, लेकिन ऑलरेडी ये जो AMC है इसके पास इस फंड में 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चला गया है। तो बहुत जल्दी आपके ऐप में भी अपडेट आ जाएगा, आपको दिखने लगेगा कि 10,000 करोड़ रुपए का AUM साइज इस फंड का हो गया है। अब देखिए, एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड के लिए इतना बड़ा AUM साइज मायने रखता है। ऐसा होने के पीछे एक रीजन मुझे लगता है इनकी ब्रांड वैल्यू। इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत बड़ी है। आप कभी भी कुछ भी करने जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, अगर आपको वहाँ पे SBI का नाम सामने दिख गया तो उम्मीद है कि आप SBI के साथ में चले जाएंगे। यही वजह है कि एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड के पास भी इतना बड़ा AUM साइज हो पाया है। तो चलिए, जो बाकी की डिटेल है जैसे मैं परफॉर्मेंस और पोर्टफोलियो एलोकेशन, उसको चेक करने के लिए हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और सबसे पहले हम SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड का परफॉर्मेंस ही चेक करेंगे। लेकिन ये परफॉर्मेंस हम कब से कब तक का करने वाले हैं, आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं 26 फरवरी 2024 से लेकर के 26 जुलाई 2024 तक का हम परफॉर्मेंस देखने वाले हैं। यानी कि ऑलमोस्ट 5 महीने के आसपास का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। इतना ही समय इस फंड को लगभग हुआ है। यहाँ पे 5 साल पे सेलेक्ट जरूर है, इसको मैं अगर 6 महीने पर भी सेलेक्ट करूँ तो वही चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इस फंड को लगभग 5 महीने के आसपास ही हो रहे हैं। और इस 5 महीने के दौरान इस फंड ने 15.58% का रिटर्न दिया है। तो अगर कोई भी फंड अगर 5-6 महीने के अंदर में लगभग 15.5% का रिटर्न दे रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो फंड बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। अगर हम NAV की प्राइस की बात की जाए तो 9.67 रुपीज़ लो साइड में हमें देखने को मिली थी, और अगर हाई की बात की जाए तो 11.67 रुपीज़ की हाई प्राइस में NAV देखने को मिली थी। और अगर वर्तमान की बात करें, करंट NAV की बात करें तो 11.56 रुपीज़, यानी कि आप कह सकते हैं कि मोटा मोटी 11.5 रुपये के आसपास में इसकी NAV की प्राइस चल रही है। अब हम की मैट्रिक्स देख लेते हैं। अगर बात करूँ एक्सपेंस रेशियो की तो 0.5% से कम है, 0.46%। पी रेशियो भी ठीक है और बाकी के रेशियोज भी ठीक हैं। पीयर्स के बारे में अभी हम थोड़ी देरी में बात करेंगे। स्कीम इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। प्लान ग्रोथ होने वाला है, लॉक इन पीरियड इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। एग्जिट लोड 1 साल का है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का पीरियड अगर 1 साल से कम होता है तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और अगर आपके इन्वेस्टमेंट का पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है तो 1 भी रुपये का एग्जिट लोड आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप SIP कर सकते हैं और इसमें आप लमसम भी कर सकते हैं, लेकिन पहली बार जब आप लमसम करेंगे तो आपको कम से कम 5,000 करना होगा, और अगली बार आप 1,000 रुपये भी लमसम कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड का जो इंडेक्स बेंचमार्क है वो है निफ्टी एनर्जी TRI। अब हम पीयर्स चेक कर लेते हैं कि इस फंड के पीयर्स कौन कौन से फंड हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड का परफॉर्मेंस ही हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में कंपेयर किसी भी लिहाज से नहीं बनता है। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम पोर्टफोलियो अब चेक कर लेते हैं कि पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसा हमें इस फंड का देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ आप पोर्टफोलियो एलोकेशन देख सकते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी की होल्डिंग की। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इक्विटी में हमारा पैसा 93.11% लगा हुआ है, यानी कि हमारा मैक्सिमम पैसा जो है वो इक्विटी में लगा हुआ है। कैश एंड इक्विलेंट की बात कीजिए तो 5.38%, यानी कि लगभग 5.5% के आसपास पैसा कैश में भी रखा हुआ है। ट्रेजरी बिल की बात की जाए तो 1.51%, यानी कि 1.5% के आसपास में यहाँ पे भी पैसा लगा हुआ है। अब हम सेक्टर वेटेज और सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन को भी देख लेते हैं। ऑयल एंड गैस रिफाइनरी एंड मार्केटिंग में आप देख सकते हैं कि 45.72%, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग हमारा आधा पैसा ऑयल एंड गैस रिफाइनरी एंड मार्केटिंग में लगा हुआ है। पावर जनरेशन यानी कि ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करती है उसमें भी आपका 17.36%, यानी कि लगभग
17.5% के आसपास पैसा लगा हुआ है। इक्विपमेंट में देख सकते हैं 8.38%, यानी कि लगभग 8.5% के आसपास पैसा यहाँ पे भी लगा हुआ है। मिसलिनियंस में देख सकते हैं 5.64%, यानी कि लगभग 5.5% के आसपास पैसा यहाँ पे भी लगा हुआ है। ऑयल एंड गैस स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी आप देख सकते हैं कि 4.43% का पैसा हमारा लगा हुआ है। और इस तरह के और 10 सेक्टर हैं जिनमें हमारा पैसा लगा हुआ है। अब हम सेक्टर वेटेज की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा पहला सेक्टर है जो कि ऑयल गैस रिफाइनरी एंड मार्केटिंग है, इसमें हमारा पैसा 41.37% था मार्च 2024 में, जिसको बढ़ा करके इन्होंने जून 2024 में 45.72% कर दिया, यानी कि ये बदलाव कर रहे हैं। और हमारा जो दूसरा सेक्टर है पावर जनरेशन, इसमें देख सकते हैं कि मार्च 2024 में 16.19% था, जिसको इन्होंने बढ़ा करके जून 2024 में 17.36% कर दिया। वहीं पे हमारा जो मेजर तीसरा सेक्टर है जो कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट है, इसमें भी हमारा वेटेज जो था मार्च 2024 में 7.44%, इसे बढ़ा करके इन्होंने जून 2024 में 8.38% कर दिया। तो ये सेक्टर में भी लगातार बदलाव कर रहे हैं और कुछ इस तरह के सेक्टर में हमारा पैसा जा रहा है। अब हम उन स्टॉक्स को भी देख लेते हैं जिन स्टॉक्स में हमारा पैसा लग रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें हमारा पैसा लग रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं 27.79%, यानी कि हमारा जो मैक्सिमम पैसा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में जा रहा है। एनटीपीसी की बात की जाए तो 6.60% पैसा जा रहा है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में देख सकते हैं 6.11% हमारा पैसा जा रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में देख सकते हैं 4.90% पैसा जा रहा है। पेट्रोनेट एलएनजी में देख सकते हैं 4.46% पैसा जा रहा है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी आप देख सकते हैं कि 4.12% पैसा जा रहा है। कोल इंडिया में देख सकते हैं 3.95% पैसा जा रहा है। हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड में भी देख सकते हैं 3.60% पैसा जा रहा है। थर्मेक्स लिमिटेड में भी देख सकते हैं 3.11% पैसा जा रहा है। टोरेंट पावर में भी देख सकते हैं 2.72% पैसा जा रहा है। CESC लिमिटेड में भी देख सकते हैं 2.52% पैसा जा रहा है। गेल इंडिया में देख सकते हैं 2.42% पैसा जा रहा है। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट में भी आप देख सकते हैं कि 2.33% पैसा जा रहा है। इंद्रप्रस्थ गैस में भी आप देख सकते हैं कि 2.10% पैसा जा रहा है। कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड में भी देख सकते हैं 2.07% पैसा जा रहा है। यानी कि हमारा जो मैक्सिमम पैसा है वो ऑयल एंड गैस बनाने वाली कंपनियों में जा रहा है। तो कुछ इस तरह की कंपनी है। अब इन सारी चीजों को देख करके हमें ये समझ में आ रहा है कि पावर जनरेशन वाली कंपनी में हमारा पैसा तो जा ही रहा है, लेकिन हमारा पैसा मैक्सिमम PSU कंपनी में भी जा रहा है। यानी कि अगर हम SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड में अपना पैसा लगाते हैं तो अच्छा खासा एक्सपोजर हमें PSU स्टॉक्स में भी मिल जाता है और एनर्जी के सेक्टर में हमारा पैसा तो जा ही रहा है। तो कुछ ये वो डिटेल थी जिसके बारे में मैंने आप सभी को इस वीडियो के अंदर में बताया। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को देख करके अति उत्साहित हो करके अपना मैक्सिमम पैसा या फिर सबसे ज़्यादा पैसा इस फंड में या फिर इस तरह के फंड में आपको नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको ये फंड पसंद आता है तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि सेक्टोरल थीमेटिक फंड कोई भी हो उसमें आपका मैक्सिमम एलोकेशन 10% के आसपास ही होना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा फंड पसंद आता है तो 20% का एलोकेशन ले लीजिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आज की वीडियो में यही वो सारी बातें थी जिसको मैंने आप सभी के सामने पेश की। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है, आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और किस फंड पर इस तरह का एनालिसिस आप देखना चाहते हैं उस फंड का नाम भी अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।